तो इस आई लाइनर के साथ आप थोड़ा सा अपने ड्रेस से मैचिंग इस तरीके का आई शेडो अपने आईज के आईब्रोश के नीचे आई लाइनर के ये नीचे मेकअप लुक की वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, तो अगर आपको आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इस तरीके का लाइनर लगाने का बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया हुआ है, अगर आप बैगना शो मेकअप सीख रहे हो लाइनर लगाने में प्रॉब्लम्स आती है तो जाके वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है 6 तरीके के फेस शेप के बारे में बताएंगे हेयर स्टाइल एंड मेकअप से रिलेटेड, तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज डे बाय डे जाते रहते हैं, सिलाई में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो डिजाइनर ड्रेस से रिलेटेड। वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज हम लोग जानेंगे फेस शेप के बारे में। अगर आप पार्लर का काम सीख रहे हो तो जरूरी है कि आपको सबसे पहले फेस शेप जानना जरूरी है। जो भी हमारे पास 6 टाइप के फेस शेप होते हैं, यहाँ पे देखो, फर्स्ट है ओवल, ये हमारा आइडियल फेस शेप होता है। ये जो फेस शेप होता है ये बिल्कुल परफेक्ट होता है एंड इसमें ज़्यादा हम लोग को कॉन्टोर वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप पार्लर का काम सीख रहे हो, हेयर कटिंग है, हेयर स्टाइलिंग है, मेकअप है, तो हर एक चीज़ में आपको पहले फेस शेप का पता होना जरूरी है, उसके बाद ही आपको ये काम अच्छे से कर पाओगे कस्टमर के फेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो जो हमारा ओवल फेस शेप है ये हमारा आइडियल फेस शेप है, ये बहुत कम लोगों के पास होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ओवल फेस शेप जो होता है वो इस तरीके का होता है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा ओवल फेस शेप, जिसका कि तीनों पार्ट्स फोरहेड, चिक बोन्स, आइज एंड नीचे का लिप्स के पास का एरिया जो होता है इक्वल होता है, बराबर होता है, सबसे नंबर वन पे ये फेस शेप आता है हमारा। इसके बारे में जानते हैं कुछ। अंडा आकार में इसका जो फोरहेड तक का पार्ट होता है एंड आई एंड चिक का पार्ट होता है एंड नीचे का पार्ट होता है, ये तीनों इक्वल होते हैं एंड बहुत ही इजी होता है इस पे हेयर कट एंड मेकअप करना। मेकअप करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्टोर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब इस पे जो भी चाहिए होता है हमारे फेस को वो होता है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का फेस शेप है जो कि ओवल फेस शेप है, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है राउंड फेस शेप, राउंड फेस शेप बिल्कुल गोल होता है इस तरीके से, तो इसमें आपको जरूरत होती है। और ये है हमारा राउंड फेस शेप जिसमें कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, हेयर स्टाइल कैसे रखना है, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है और किस तरीके से करना है। चलिए इस फेस शेप के बारे में जानते हैं और पता करते हैं कि इसमें कैसे कंट्रोल, हाईलाइट एंड हेयर स्टाइल करना चाहिए। राउंड फेस शेप में आपको यहाँ से फेस को कट करने की जरूरत होती है। ओके, जिससे कि इसका फेस जो जो है वो थोड़ा सा ओवल में आ जाए एंड राउंड फेस शेप पे आपको हमेशा साइड पार्टीशन करनी होती है, इससे जो कस्टमर का लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो जब भी आप मेकअप कर रहे हो, हेयर स्टाइल कर रहे हो, तो राउंड फेस शेप पे आपका जो कॉन्टोर होता है वो आपको कुछ इस तरीके से करना होता है। जैसे लॉन्ग है तो लॉन्ग का भी अभी बताऊंगी, लेकिन राउंड फेस शेप पे आपको कुछ इस तरीके से लॉन्ग में कंट्रोल करना होता है, ना कि गोल में। ओके, एंड यहाँ पे जो होता है हमको यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है जिससे कि ये ओवल में कन्वर्ट हो जाए एंड जो लुक है वो परफेक्ट आ जाए। ओके, तो ये हमारा सेकेंड फेस शेप है, तो आपको ये सारी फेस शेप जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप अपना काम आगे कर पाओगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा ओवल फेस शेप हो गया, सेकेंड नंबर पे हमारा राउंड फेस शेप हो गया, क्योर फेस शेप है हमारा थर्ड नंबर पे जो कि कुछ इस तरीके का आता है। तो सिक्योर फेस शेप पे मैक्सिमम लोग ये हमारा चौकोर यानी कि सिक्योर फेस शेप, फेस शेप इसके बारे में जानते हैं, इस पे किस तरीके से आपको कॉन्टोर, हेयर स्टाइल एंड मेकअप, हाइलाइट्स कैसे करना चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका आप देख सकते हो ईयर के नीचे का पार्ट भी चौड़ा होता है, फोरहेड के पास का भी पार्ट चौड़ा होता है। फेस शेप होता है वो सिक्योर होता है, स्क्वायर होता है, तो जिसमें इसमें आपको क्या करना होता है, आपको अक्सर कस्टमर को सेंटर पार्टीशन देनी होती है हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग एंड जब आप इस पे कॉन्टोर कर रहे हो तो इसमें भी आपको यहाँ से इस तरीके का लॉन्ग वाला तिरछा कॉन्टोर देना है एंड इसमें हमको कट करना होता है अपने ये वाले पार्ट्स को, जो कि हमारा ये पार्ट होता है और उसको स्क्योर में ये थोड़ा ज़्यादा होता है स्क्वायर में। ओके, तो हमको यहाँ से कंट्रोल करना होता है क्योंकि जैसे हमारा राउंड का भी बात हो गया तो ये चीज़ हमारी ज़्यादा होती है, तो हमने इस तरीके से कंट्रोल दिया है। तो
तो सिक्योर में भी आपको सेम टू सेम इस तरीके का कंट्रोल देना है। एंड नीचे में जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये चौकोर फेस शेप है, इसमें थोड़ा ज्यादा उभरा होता है ईयर के नीचे तक, तो हमको ये कट करने के, जब आप कंट्रोल करोगे तो यहाँ से आपको इस तरीके से कट करना है जिससे कि ये पतला हो जाए हमारा और फेस शेप अच्छा हो। तो ये हमारा हो गया थर्ड फेस शेप। ओके, तो तीन तरीके के फेस शेप का आपको पता चल गया। फोर्थ हमारा है हार्ड फेस शेप, जो कि कुछ इस तरीके का आता है। ये हमारा हार्ड फेस शेप, इसमें आपका नीचे का फेस जो होता है वो पतला होता है एंड चिक बोन्स एंड फोरहेड का पार्ट जो होता है वो इक्वल होता है। तो इसमें कैसे कॉन्टोर, हाईलाइट एंड हेयर स्टाइल करना चाहिए? इसमें क्या होता है, इसमें हमारा फोरहेड जो होता है यहाँ से थोड़ा सा खाली होता है, देन इस तरीके का आता है और यहाँ पे हमारा पतला होता है। तो इसमें जब भी आप मेकअप कर रहे हो तो आपको फोरहेड के पास कॉन्टोर करने की जरूरत है जो कि यहाँ पे है, बाकी इसमें कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे फेस शेप के लोगों का फोरहेड चौड़ा होता है एंड जो हमारा चिक बोन्स होता है ये बाहर की तरफ उभरा होता है, ये भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको फोरहेड को कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड चिक बोन्स को जब भी आप हाइलाइट्स कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत उभरा होता है, तो आपको हाइलाइट्स हमेशा यहाँ से लेके ऐसे तिरछे में करना है। ओके, तो ये हमारा फोर्थ फेस शेप हो गया जिसके बारे में आपको पता चल गया है। एंड नेक्स्ट होता है हमारा डायमंड फेस शेप। डायमंड फेस शेप एंड हार्ड फेस शेप ऑलमोस्ट सेम होता है। डायमंड में बस क्या होता है कि आपका इस तरीके का शेप आता है, जैसे कि हमारा दीपिका पादुकोण का फेस शेप देख लो आप, वो कुछ इस तरीके का है। तो ऊपर से आपका इस टाइप के फेस शेप पे आपको अक्सर मिडिल पार्टीशन करनी होती है और इस साइड के फेस शेप पे आपको साइड पार्टीशन करनी होती है अगर हार्ड शेप है तो। अब बारी आती है डायमंड फेस शेप की, तो इसके बारे में जानते हैं। इसका जो बीच का पार्ट होता है चिक बोन्स के पास का, वो थोड़ा चौड़ा होता है, फोरहेड एंड चीक ठोड़ी के पास का अपर लिप्स के नीचे का हिस्सा पतला होता है। इसके बारे में जानते हैं, इस पे कैसे आपको मेकअप हेयर स्टाइल करना चाहिए। एंड ये डायमंड है तो आपको सेंटर पार्टीशन करनी होती है, इस पे काफी अच्छा लुक आएगा। ओके, तो ओवल फेस शेप की बात करें तो ओवल फेस शेप पे आपको कोई सा भी हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा और इस पे कॉन्टोर बहुत लाइट करना होता है या फिर नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन हेयर स्टाइल की बात करें तो इन पे साइड भी अच्छा लगेगा, सेंटर भी अच्छा लगेगा और अपर डायरेक्शन में करोगे तो भी काफी अच्छा लगेगा। एंड जो ये वाला फेस शेप है इस पे आप सेंटर पार्टीशन रखिएगा, मिड ये वाला जो फेस शेप है इस पे आप साइड पार्टीशन रखिएगा राउंड में, तो साइड भी रख सकते हो राउंड में एंड सेंटर पार्टीशन भी रख सकते हो। और हार्ट पे जो बात आती है, हार्ट वाले पे भी आप कोई सा भी पार्टीशन रख सकते हो, बट इसकी जो कंटूर की बात आती है थोड़ा सा आपको इस तरीके से करना है जिससे कि आपका फेस का जो कट है वो राउंड में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाए। एंड इस पे भी आपको इस तरीके का ही वो करना होता है कॉन्टोर। हाईलाइट की बात करें तो हाईलाइट आपको इस पे तिरछा करना होता है। ओके, ये हमारा पांचवा फेस शेप है, सॉरी। ओके, अब बारी आती है छठे फेस शेप की, जो कि हमारा लॉन्ग फेस शेप में आता है। लॉन्ग फेस शेप में आपको दीपिका पादुकोण और लास्ट फेस शेप है हमारा लॉन्ग फेस शेप। लॉन्ग फेस शेप भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है एंड इस पे आपको कैसे हाईलाइट और मेकअप करना चाहिए वो जानते हैं। एंड वीडियो आई होप कि पसंद आई हो। चलिए पहले इसके बारे में जान लो। सिक्स्थ है हमारा लॉन्ग फेस शेप, इस तरीके का फेस शेप होता है ये। इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ मैंने पहले बताया था बट वीडियो में आया नहीं, एक बार और चेक कर लेती हूँ कि वीडियो चल रही है कि नहीं। बैक कैमरे से ऑन कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट कैमरा ऑन करने में शेप अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो जो अगर आपके पास लॉन्ग फेस शेप है तो आपको इस तरीके से साइड पार्टीशन करनी है, सारे हेयर साइड में रखने की कोशिश करनी है एंड इनका जो कॉन्टोर होता है वो आपको इस तरीके से राउंड में लेके जाना है ईयर के पास से एंड नीचे से थोड़ा थोड़ा कट करने की जरूरत है। इसका हाईलाइट आपको यहाँ पे करना है ताकि इसका जो लुक है वो थोड़ा सा राउंड में आ जाए। ओके, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो वीडियो। और ये वाला जो फेस शेप है उसमें हाईलाइट्स आपको ऐसे करना है, राउंड में आपको यहाँ पे हाईलाइट, सॉरी लॉन्ग में आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है, डायमंड में आपको ऐसे हाईलाइट करना है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा सा राउंड दिखाने के लिए, क्योंकि इनका ये पार्ट जो होता है डायमंड वालों का पतला होता है, तो उसके लिए आप इस तरीके से करोगे तो आपका थोड़ा सा हैवी दिखेगा। और डायमंड वाले पे आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है जिससे कि ये पार्ट उनका उभरे और थोड़ा सा हैवी दिखे। बात आती है हार्ड फेस शेप वालों की, तो हार्ड फेस शेप वालों पे आपको हेयर स्टाइल का जो लुक रखना है वो साइड रखना है एंड जो आपका ये कॉन्टोर है वो उसका आपको राउंड करना है, नीचे में आपको कॉन्टोर नहीं करना है। एंड हाईलाइट की बात करें तो हाईलाइट आपको इस तरीके से तिरछा करना है। ओके, एंड
चौकोर फेस शेप सिक्योर फेस शेप में आपको सेंटर पार्टीशन रखनी है हेयर स्टाइल की, एंड जो कंटूर होता है उसको तिरछा ले जाना है, नीचे से भी आपको इस तरीके से तिरछा कंटूर करना है, और इसका जो हाईलाइट है क्योंकि हमारा फेस इस तरीके का है तो आपको यहाँ से हाईलाइट जो करनी है वो तिरछे में करनी है ताकि ये थोड़ा सा ओवल में आ जाए। ओके, एंड जो आती है राउंड फेस शेप की बात, राउंड में आपको हेयर स्टाइल के लिए तिरछी पार्टीशन रखनी है। ओके, एंड आपको बीच की पार्टीशन करनी है क्योंकि इंडियन मेकअप में अक्सर हम लोग को बीच की मांग निकालनी होती है, तो साइड से कर्व्स जरूर करिएगा इस वाले फेस शेप पे। इनका जो कंटूर होता है वो तिरछा लेके जाना है आपको, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से आपको राउंड वाले पे, सॉरी लॉन्ग फेस पे करना है, राउंड पे आपको तिरछा ले जाना है। हाईलाइट्स की बात करें तो हाईलाइट्स आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और तिरछा लेके जाना है। ओके, इनको भी यहाँ से कट देना है थोड़ा सा। एंड ओवल फेस शेप में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इनके डार्क स्पॉट्स वगैरह हाइड कीजिए, फेस को क्लियर कीजिए। हेयर स्टाइल की बात करें तो इनमें कोई सा भी हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, किसी भी तरीके का आप कर सकते हो। एंड इस पे जो कंटूर बहुत लाइट कीजिएगा, हाईलाइट करनी है तो हाईलाइट आप इनको राउंड में दीजिएगा क्योंकि ओवल में थोड़ा सा लॉन्ग में आ जाता है ये। तो आई होप कि आज की सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी, ओवल, राउंड, स्क्योर, हार्ट, डायमंड, लॉन्ग फेस शेप पे किस तरीके से हेयर स्टाइल एंड मेकअप करना चाहिए, हाईलाइट कैसे करना चाहिए, कंट्रोल कैसे करना चाहिए। और आज का जो मैंने वीडियो बताया है इसका मेन मकसद है कि आगे आने वाली वीडियोज में इन सारी चीजों पर आपको वीडियो मिलने वाली है हेयर स्टाइल एंड मेकअप से रिकॉर्ड